ये है टाटा का हेक्सा, आप देख सकते हो XT है 4x4। इसमें एक फॉल्ट कोड आ रहा है जिसकी वजह से कभी कभी इसका जो ESP वाला लाइट होता है वो जल जाता है। जैसे इसको स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो जो ESP वाला लाइट है ना, ये बार बार ABS और EFP का लाइट आ जाता है। ठीक है, तो हमने अपना स्कैनर यहाँ पे स्कैन प्लस एक्स का कनेक्टर फिट किया हुआ है और इसमें लाइन आ रहा है। अब इसको देखते हैं कि इसका ABS का लाइट क्यों आता है और क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो हमने पहले स्कैनर से इग्निशन ऑन कर दिया है। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं, ये हमारा स्कैन प्लस एक्स स्कैनर है जिसके अंदर हम इसका काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम स्कैन प्लस एक्स को ओपन करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से लोकल डायग्नोसिस में जाना है, फिर ACN में जाएंगे, इसके नीचे टाटा इंडिया में जाएंगे, टाटा इंडिया यहाँ से, और इसको ओके करेंगे। यहाँ पे जाके हमारा स्कैनर से VCI कम्युनिकेट हो रहा है। उसके बाद व्हीकल सिलेक्शन में जाएंगे, ये आपका यूटिलिटी व्हीकल है, हेक्सा आ गया। उसके बाद डोमेस्टिक RHD डीजल, और ये XT 4x4 है। यहाँ से हम सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे, डायरेक्ट ABS में जाते हैं और देखते हैं कि क्या फॉल्ट बता रहा है। देखिए तो ये जो फॉल्ट बता रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टेडी एंगल पोजीशन सेंसर मिसिंग कैलिब्रेशन, ये इसका फॉल्ट है C0051 का। इसको हम यहाँ स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से रूटीन टेस्ट, और यहाँ पे देखिए स्टेडी एंगल सेंसर कैलिब्रेशन पे क्लिक करेंगे, और ये बैटरी वोल्टेज 9 वोल्ट से ज़्यादा ना चलें, इंजन 0 रहना चाहिए, स्पीड नहीं, इंजन बंद रहना चाहिए, गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए, ओके करें। ठीक है, देखिए अब ये रूटीन कंप्लीटेड सक्सेसफुल, यानी कि स्टेयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन हो गया। ओके करेंगे, बैक जाएंगे, वापस से बैक जाएंगे, और यहाँ से क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर करेंगे इसको, फॉल्ट कोड को यस पे क्लिक करेंगे, फॉल्ट क्लियर हो गया। वापस से फॉल्ट रीड करेंगे, देखिए फॉल्ट क्लियर हो गया, नो ट्रबल कोड आ गया। वापस से रीड करके दिखाते हैं, नो ट्रबल कोड, पहले जो कोड आ रहा था C0051 वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे स्विच ऑफ करके यहाँ से स्विच ऑन किए, सारी लाइटें आके और चली जा रही है, और गाड़ी आपको चालू करके भी दिखाते हैं। देखिए इसका जो प्रॉब्लम था ABS का लाइट आने का और ESP का लाइट आने का, वो सॉल्व हो गया दोस्तों। इस तरीके से मैंने स्कैन प्लस एक्स का इस्तेमाल करके ये जो टाटा का हेक्सा है 4x4 XT मॉडल, उसको मैंने स्टीयरिंग एंगल सेंसर का कैलिब्रेशन कर दिया सक्सेसफुली। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।